बरेली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बुधवार को बरेली पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीएल एग्रो फूड प्रोसेसिंग में बनी एडवांस आरएलआरसी लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत खाद्य प्रसंस्करण में काफी बेहतर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान नहीं बना पाया है। इसलिए सरकार में आने के बाद उनका पूरा ध्यान क्वालिटी टेस्टिंग पर रहा, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि किसी भी उत्पाद की सैंपलिंग में 3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी लैब पर भरोसा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग नीति के क्रियान्वयन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें समन्वय के साथ काम करें, डंडा लेकर काम कराने की नीति अब समाप्त हो चुकी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान देश में शुरू हो चुका है, जिसके तहत केन बेतवा नदी परियोजना का भूमि पूजन हो चुका है। जल्द ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे देश की नदियों को जल्द ही जोड़ा जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में निर्यात के जब अवसर शुरू हुए और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में जो सबसे अहम बात थी कि अगर हमारा निर्यात होता है तो 2 चैलेंज हमारे पास थे इंडस्ट्री के सामने, कि वो भारत का जो खान पान है वो दुनिया में पसंद किया जाता है, वो जाता भी है, लेकिन आज भी कोई भी भारतीय फूड कंपनी दुनिया में अपना नाम नहीं कमा सकती। तो प्रधानमंत्री ने पीएलआई स्कीम के पहले ये बात तय कर दी थी कि 2 चैलेंजेस हैं। एक है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हमारी कंपनियां दुनिया विदेश की कंपनियों से कम्पीट नहीं कर पाती, या तो हम उसमें मदद करें, और दूसरा चैलेंज था कि हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं डाउट होता था और वो हमको इनकार करते थे कि हमें आपके पैरामीटर्स को इनकार नहीं, हम रीटेस्ट करेंगे। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो बात हम लोगों ने तय की है कि हमारी जो लैब्स है फूड लैब है वो इतनी क्वालिटी वाली होनी चाहिए कि जहाँ पर भी निर्यात होता है तो हम कम से कम उस देश के पैरामीटर्स को गारंटी के साथ दें। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस लैब को मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, कोई मंत्री पहले लैब में नहीं जाता था, पर हम सब मोदी सरकार का ये मानना है कि कोई भी सैंपल 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम ना ले जाने में, नहीं तो वो टेस्ट उतना प्रॉपर नहीं होगा, नंबर एक। और दूसरा, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो लैब है वो इतनी समर्थ होनी चाहिए कि कोई भी एक्सपोर्ट करने वाला हमारा फूड आइटम हो तो उसको जिस कंट्री में भी करना है उसके पैरामीटर्स को वहाँ टेस्ट किया जा सके। जिस लैब में मैं खड़ा हूँ, मैं 2 बातों के लिए उनको बधाई दूंगा। एक तो उन्हें इस बात की गारंटी दी कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी जो फेलोशिप या रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सीट को रिजर्व किया है, इस बात के लिए उनको बधाई। दूसरा, जितनी इंडस्ट्री इस प्राइमेट इस पूरे एरिया में है उसका कोई भी टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। और तीसरा, यहाँ से निर्यात होने वाले फूड प्रोडक्ट जिस भी कंट्री में जाएंगे उनके पैरामीटर्स को भी यहाँ टेस्ट किया जा सकता है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ।